पुलिस? ये लड़की नमस्ते सर। नमस्ते, कौन हो तुम? जी मैं बस यहीं पास में ही रहती हूँ। पास में रहती हो, वो सब ठीक है, पर इतने सुनसान जंगल में और क्या पानी वानी की व्यवस्था नहीं है उधर, यहाँ तुम रहती हो? नहीं सर, मैं बस पास के गांव में ही रहती हूँ। हाँ, नल खराब हो गया था तो मैंने सोचा यहाँ से ही भर लें। ठीक है वो सब ठीक है, पर एक बात याद रखना हमेशा, आज तो मैं मिल चुका हूँ यहाँ पे, और आज के बाद अगर मैं कभी यहाँ ना भी हूँ तो इस तरीके से आप अगर पानी ना हो तो आप थोड़ा वेट कर लें, पानी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये डाकुओं का इलाका है और आप स्त्रियों का यहाँ आना सुरक्षित नहीं है। सर आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे, आपको ये वर्दी नहीं दिख रही क्या? मेरी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, दरअसल मैं यहाँ जो डाकुओं का ग्रोह है उसको पकड़ने के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा सर जी, वैसे फिलहाल आप चलो, मैं तुम्हें छोड़ करके आता हूँ। नहीं नहीं मैंने पानी भर लिया, मैं इधर ही जा रही थी। ठीक है चलिए, मैं चलता हूँ कुछ दूरी तक, आइए मैं छोड़ दूंगा। नहीं नहीं सर मैं चली जाऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, आप अगर इतना कहती हैं तो ठीक है, वरना अगर कोई बात हो तो आप थोड़ा आवाज दे देना, मैं यहीं हूँ। जी, और मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ तक ना पाऊँ। हमेशा याद रखना क्योंकि यहाँ आपका आना सुरक्षित नहीं है, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जाइए। अरे संगीता, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई, और ये कैसे मुंह लटकाया हुआ तुमने अपना? पानी भरने गई थी, कहीं शॉपिंग करने तो गई नहीं थी। मतलब ये मुंह लटकाया हुआ तुमने, बात क्या है, गुस्से में क्यों हो इतना? अरे मैं मुंह लटका गई हूँ या हमेशा खुश रहूँ या ना हूँ, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? और वैसे भी तुम्हें मेरी कोई फिक्र तो है नहीं, तो आप तुम पूछ ही क्यों रहे हो मुझसे? ये क्या कह रही हो, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? तुम्हारी फिक्र ना होती तो क्यों आता बाहर में, ये बताओ मुझे। कमरे में से बाहर निकलना, इसको क्या कहते हो तुम? बाहर आना इन गुफाओं का, क्या तुम 5-स्टार होटल समझ रहे हो? देखो संगीता, यही घर, यही गुफाएं, यही मेरी जिंदगी है, और यही मेरे लिए महल से कम नहीं, समझे? और अब जो ये तुम्हारी जिंदगी है वो मेरी किस्मत में लिख दिया है। तो मैंने तो नहीं कहा था तुमसे कि मेरे साथ मेरी यही जिंदगी बिताओ? बस यही बात मत करा करो तुम, बस इसीलिए कहती हूँ अभी भी समय है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्या बात है, इतना तिलमिलाई क्यों हूँ ये बताओ मुझे तुम? तिलमिलाई क्यों? बहुत जल्दी ये साम्राज्य खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है? हाँ। अरे कहना क्या चाहती हो? क्योंकि चिंगारी अब जंगल तक आ चुकी है। चिंगारी जंगल तक आ चुकी है? अरे कहना क्या चाहती हो, सीधे सीधे कहो। सुनना चाहते हो? साफ साफ बताऊं मैं? बताओ। पहले तो पुलिस गाँव में थी, अब जंगल तक आ गई है। क्या? क्योंकि मैं आज पानी भरने गई थी, इसलिए आज नदी किनारे पूरे पुलिस वालों को पहरा लगा हुआ था। क्या, तो तुम उधर गई क्यों थी? गई क्यों थी? ओ अब शक करने लगे मुझ पे? मैं संगीता शक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ ना आ जाएं। आ रहा था, एक पुलिस वाला आ भी रहा था मेरे साथ। फिर? ठीक है, लेकिन मेरे पति ना होके कोई और होता ना तो मैं पक्का लेके आती अपने साथ। इसीलिए कहती हूँ अभी भी समय है, अभी बहुत समय है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। और हमेशा मैंने एक बात सुनी है कि जितने भी लोग अपने आप को कानून के हवाले अपनी मर्जी से करते हैं उनकी कम से कम सजा होती है। ठीक है ना, इसीलिए कहती हूँ कि अभी भी मान जाओ मेरी बात। ठीक है चलता हूँ मैं। काली रुक, मैं भी चलता हूँ। तू जाएगा, रहने दे, तेरे अब कुछ बस का नहीं है, क्योंकि तू एक औरत के पल्ले से बंधा हुआ मर्द है। औरत के पल्ले से जो मर्द बंध जाता है वो हमारी निगाह में नामर्द होता है। देखा, आज पहली बार तुम्हारी वजह से ये काली मुझे इतना सुना गया, और पहली बार आज ये मेरे बगैर अकेले लूट पे जा रहा है। अरे उसके दो बोल सुन लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन उसके साथ ऐसे गलत काम तो मत करो। संगीता मैंने हमेशा काली का साथ निभाया है,
और जीते जी काली का साथ निभाता रहूंगा। मेरी बंदूक कहाँ है? और एक बात मेरी भी सुन लीजिए कि हमेशा तुमने इस काली का साथ दिया है ना, जब गोली इसके सीने पर लगनी होगी ना तो वो तुम्हें आगे खड़े कर देगा। चाहे ध्यान रखना संगीता, चाहे सीने पे गोली उसके लगे या मेरे, लेकिन मैं जीते जी काली का साथ नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ संगीता, मुझे मत रोको। एक बात मेरी भी सुन लो, अगर आज तुम यहां से गए तो मैं भूल जाऊंगी कि कोई मेरा भी पति है। क्या तुम किसी की मांगे उजाड़ते हो, किसी का घर उजाड़ते हो, किसी के माँ बाप को उसकी औलाद से दूर करते हो? अरे तुम्हें पता भी, उनकी बद्दुआ हम पे पड़ती है, मुझ पे नहीं चाहिए मुझे ये ऐसी जिंदगी। अरे ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मर जाए, कल को हमारे बच्चे होंगे, यही हराम का खाना हम खा रहे हैं और कल को हमारे बच्चे भी खाएंगे। ना तो हमारा कोई भविष्य है, ना हमारे बच्चों का कोई भविष्य है, ना हमारे रहने के लिए सर पर छत है, बस इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है। अरे कभी तुमने सोचा है एक बीवी की फीलिंग क्या होती है, एक बीवी के सपने क्या होते हैं? तुमसे शादी करके आज मुझे इतना बड़ा पछतावा होता है कि काश मैं तुमसे शादी ना करती। संगीता तुम क्या चाहती हो, कि तुम्हारी वजह से मेरा और मेरे साथियों का साथ छूट जाए? तुम चाहती हो ना तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन मैं जीते जी अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस आदमी के लिए मैंने अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया, आज वही आदमी ऐसी बातें कर रहा है, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही सही है। हाँ ये लड़की क्यों भाग रही है? ए लड़की रुक रुक, ए लड़की छोड़ दीजिए, मर जाने दीजिए, हटिए। पहले तो ये बताओ क्या हुआ और तुम क्यों भाग रही थी इस जंगल में? और तुम्हें पता है आत्महत्या करना कितना बड़ा कानूनी अपराध है? और तुम्हें पता है ये खाई है और तुम्हें क्यों कूद रही थी तुम? तुम्हें पता होना चाहिए कि आत्महत्या करना कानूनी अपराध है। जानती हो? अच्छा क्या करूं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। क्यों कोई बात होगी क्या, कैसी कौन सी प्रॉब्लम रही जो आप आत्महत्या करना चाह रही थी? एक औरत अपने पति के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन जब उसका पति ही साथ छोड़ दे तो क्या करेगी इस दुनिया में जी के? पति साथ छोड़ दे? अच्छा पर तुम्हारा पति कौन है? मेरे पति एक एक वो एक नहीं, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। मतलब वो अगर दूसरी शादी कर रहे हैं तो तुमने ये रास्ता चुन लिया कि तुम अपनी आत्महत्या करोगी? और क्या करती, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। तो अगर आप मर जाओगी तो उनके लिए तो वो रास्ता आसान हो जाएगा ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ करके आता हूँ तुम्हारे पति के पास। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप जाइए और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उस घर में दोबारा वापस नहीं जाऊँगी। देखिए मुझे उस घर से निकाल दिया गया है। कोई बात नहीं, ऐसा करिए अब मेरे साथ चलिए मेरे घर, आप मेरे घर पर रह लीजिए, क्योंकि देखो इस वक्त इस जंगल में यहाँ मैं अकेला नहीं छोड़ सकता तुम्हें। आपके घर? जी। लेकिन मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? क्यों क्या हुआ? नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं देखिए मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ? क्या एक बहन अपने भाई पे बोझ बन सकती है? अब सोचो मत, चलो मेरे साथ आओ, आइए बहन। पूजा पूजा। अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया, लेकिन ये कौन है? पूजा ये हालात की मारी हुई है, वो तो आज मैं सही समय पे पहुँच गया, अगर मैं उस समय ना होता तो
ये अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। लेकिन रवि, इसकी वजह क्या है? वजह दरअसल ये है कि इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। तो दूसरी शादी करने की वजह से ये अपनी जान देना चाहती थी? देखो बहन, अपनी जान देने से कुछ नहीं होता, इससे तो तुम्हारा पति और खुश हो जाएगा, क्योंकि तुम उसके रास्ते का कांटा निकल जाओगी। अरे लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो तुम, जान देने से कुछ नहीं होगा। रवि, हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया इनको यहाँ लाकर। मैंने सोचा कि ये वहाँ अकेली थी तो मैं इनको अपने घर ले चलूँ। और हाँ, ये एक बात और बोल रही थी पूजा, कि मैं तुम पे बोझ नहीं होना चाहती। अब बताओ, एक बहन अपने भाई पे बोझ होती है क्या? मेरे पति ऐसे नहीं है जो तुम किसी पे बोझ बनोगी। और वैसे भी मैं तो इस घर में अकेली रहती थी, मुझे भी एक बहन चाहिए। और एक हमारा परिवार भी हो गया एक। रवि, हाँ, अब इनको भूख भी लगी होगी। हाँ, खाने के लिए बना। अरे बहन, अब खुशी खुशी रहो, ये तुम्हारा ही घर है। जो भी टेंशन है उसे छोड़ दो, ठीक है? अब ठीक है, अब ले जाओ अपनी बहन को अंदर, कुछ खिलाओ पिलाओ इनको, और मैं तो चला अपनी ड्यूटी, मैं इनको करने आया हूँ। ठीक है, मैं टाइम से आता हूँ शाम को। आओ चलो। और हाँ बहन, घबराना मत, ये पुलिस वाले का घर है, ये उन डाकुओं का नहीं। यहाँ आपको हरदम डर बैठा रहे, यहाँ बेफिक्र होके रहना रहेगा, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना? जाओ, आ जाओ, बैठ। अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? जी मैं यही। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने बात करने के लिए बैठ के तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ला। नहीं नहीं, क्यों? मुझे अभी भूख नहीं है, आप बैठिए ना मेरे पास। अरे थोड़ा सा खा लो ना। अभी नहीं, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं आपसे बोल दूंगी। अरे पति कितना बेदर्दी है, एक अच्छी भली इतनी खूबसूरत औरत को छोड़ के दूसरी शादी कर ली, उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई। तुम्हें पता है रवि मुझसे कितना प्यार करते हैं, छोड़ना तो बहुत दूर, वो एक पल के लिए अपनी नज़रों से दूर भी नहीं करते। वो तो उनकी मजबूरी है कि उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, वरना मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाते। आप कितनी खुशकिस्मत है कि आपको ऐसा पति मिला। हाँ, मेरा पति बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आप पे बच्चे नहीं है क्या? बच्चे? एक बेटा है, वो मेरी मम्मी के पास रहता है। आप लोगों को देख के लगता नहीं है कि आप पे बच्चे भी हैं? अभी नैनी शादी हुई थी, बस एक ही बेटा हुआ था, वो अपनी नानी के पास रहता है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इनकी ड्यूटी कभी कहीं जाते रहते हैं, तो मैं साथ चलती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी जगह मेरा बेटा भी परेशान हो। हाँ ये तो है, इसलिए। अच्छा, तुमने अपनी पसंद से करी थी शादी? मेरी और मेरी से। अरे वाह, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने भी लव मैरिज ही करी थी। वो भी कॉलेज में पढ़ते थे और मैं भी, बस वहीं से प्यार हो गया, फिर शादी कर ली। चलो, कोई तो है जो खुश रहता है। कोई अरेंज मैरिज शादी करेगा वो भी इतना खुश नहीं रहेगा जिससे मैं लव मैरिज में खुश हूँ। लेकिन बस एक ही चिंता लगी रहती है, उन डाकुओं को पकड़ने के चक्कर में ये वहाँ जाते रहते हैं, बस ये डर रहता है कहीं इनको कुछ हो ना जाए। मतलब कि उनकी जो ड्यूटी है बस इसी वजह से लगी है डाकुओं को पकड़ने के लिए? हाँ, इसी वजह से, बस इसी बात की मुझे चिंता रहती है। लेकिन एक बात बताओ, वो डाकुओं को क्यों मारना चाहते हैं? अरे वो डाकुओं को क्यों मारेंगे, वो तो सिर्फ उन्हें पकड़ना चाहते हैं, और पकड़ के कैसे भी करके उन्हें सुधारना चाहते हैं कि वो ये काम छोड़ दें, ये काम अच्छा नहीं है डाकुओं का। हाँ वो तो, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम, उन्हें मार के क्या मिल जाएगा, और फिर उनकी तो ड्यूटी है ये, उन्हें पकड़ के लाना। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, बहुत टाइम हो गया। अरे सुनिए, हाँ अभी चलती हूँ आपके साथ। मेरे साथ? हाँ। चलो। संगीता, संगीता, अरे कहाँ हो संगीता? आज कैसे नहीं आ रही?
संगीता ये कहाँ गई? अरे कुछ नहीं, शायद हो सकता है पानी भरने गई हूँ जंगल की तरफ। पानी भरने, वो भी इस वक्त? मेरे भाई देख रहा समय कितना हो रहा है। क्या करना चाहते हैं? क्या बताऊँ यार, जिस समय वो मुझे समझा रही थी मैं तेरे साथ चला गया था, और ना जाने उससे मेरी कैसी कैसी बहस हुई तुम लोगों को लेकर। मुझे लगता है कहीं वो मुझे छोड़ के चली ना गई हो। और काली, तुझे पता है मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। चिंता मत कर, काली अभी जिंदा है, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगी भी कहाँ, अपने घर के अलावा कहीं और तो जा नहीं सकते। चल पहले हम एक बार जंगल में तलाश कर लेते हैं, शायद हो सकता है जंगल में यहीं कहीं हो। सही कहता है मेरे भाई, आ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई सही, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तू इधर देख मैं इधर देखता हूँ। संगीता, संगीता, संगीता कहाँ गई? संगीता कहाँ हो तुम? भाभी, संगीता भाभी, भाभी ये औरत पता नहीं कहाँ चली गई, ये छोड़ देखता हूँ। संगीता, 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 ये इतनी जोर जोर से आवाज लगा कौन रहा है जंगल में? आखिरकार है कौन, देखता हूं। संगीता, 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 इंस्पेक्टर तू, तू ही जंगल में? भागने की कोशिश मत कर, मैं तुझे जिंदा पकड़ना चाहता हूं। रुक जा वरना मैं गोली चढ़ा दूंगा। अपनी बंदूक को नीचे रख, नीचे रख अपनी बंदूक को। ओ भवानी सिंह, तेरी ही तो तलाश थी मुझे। भवानी सिंह, तुम्हें कैसे पता मैं ही भवानी सिंह हूँ? अच्छा ये पूछ रहे हो हम हैं कौन? याद करो विक्रम सिंह। अच्छा ये बता, ये तू संगीता संगीता किसको पुकार रहा था? संगीता? हाँ मैं अपनी पत्नी को पुकार रहा था संगीता। ओहो मतलब डाकुओं की पत्नी भी, पत्नियाँ भी हो गई? उसकी पत्नी हो या ना हो, अपनी जान की सलामती चाहता है तो अपने हथियार नीचे डाल दे। काली अच्छा किया तू आ गया। ये सब तुम बहुत गलत कर रहे हो, याद रखना इसका अंजाम खुद पे खुद भुगतोगे तुम। ज्यादा बात बनाने का समय नहीं है, इस बंदूक को हटा और अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से चुपचाप चला जा। आज तेरा नसीब अच्छा है जो हम किसी को यहाँ ढूंढ रहे हैं, नहीं तो बेमौत मारा जाता। निकल यहाँ से, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत भी मत करना। अरे काली तूने क्या किया, हाथ आए दुश्मन को छोड़ दिया। दुश्मन कौन था ये? अरे वही चंदनपुर विक्रम सिंह, ये उसका बेटा है वो विक्रम सिंह ऑफिसर जिसने तेरे बाप को मारा था, हमारे सरदार को। तो पहले क्यों नहीं बताया? बताता कैसे, पहले तू डायलॉगबाजी कर ले, कर ले तब ना। और तूने ऐसी और दिमाग में था इस समय, बस मुझे भाभी की चिंता हो रही थी कि भाभी कहीं तकलीफ में ना हो। फिलहाल छोड़ इन सब बातों को, इसका चेहरा तो हम पहचान चुके हैं, फिलहाल भाभी को ढूंढते हैं। चल चल साथ।